हाय एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में और हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक यंग एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, चाहे लड़की हैं, लड़का है, कोई भी है, अरे कहना क्या चाहते हो, आपको आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है आज का। चूँकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए चार ऐसे नियम, चार ऐसे सूत्र जो आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देंगे। और जब आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, सोचिए आप अपने लाइफ में कितना आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोग 30 से 40 जाते जाते किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को लीवर सिरोसिस, किसी को लीवर फैटी, किसी को लीवर फेल, इत्यादि ऐसे बीमारियां होती है जो लोगों में होती है। और वो अपने लाइफ को एंजॉय करने ही वाले होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा आप में से किसी के साथ ना हो, इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको कॉमेडी का वीडियो, फैक्ट का वीडियो और रील्स देखना तो है ही, लेकिन 5 से 10 मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके ज़िंदगी के लिए चार ऐसे नियम जिसको अपनाकर आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। अगर आप इस नियम को पालन करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये हमारे देश के जाने माने योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी करते हैं और ऐसे बहुत से एक्टर एक्ट्रेस भी करती हैं जो अपने लाइफ को एकदम फिट बना के रखे हुए हैं। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना, एक फॉलो करना हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वही स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और बात करते हैं क्या है वो चार नियम। तो दोस्तों, वो चार नियम में सबसे पहला नियम है कि आप जब भी भोजन करते हैं उसके साथ पानी का सेवन न करें। जी हाँ, भोजन करते टाइम आपको पानी का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों? जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन आपके पेट में जाता है, आपके नाभि के बाईं तरफ जठर होता है, इसे हिंदी और संस्कृत में जठर बोलते हैं, अंग्रेजी में एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं और हिंदी में इसे आमाशय भी कहा जाता है। तो जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो आपके पेट में अग्नि प्रज्वलित होती है जो कि आपके भोजन करने के एक घंटे बाद तक जलती रहती है, वो धीरे धीरे बंद होती है। वो अग्नि क्यों जलती है? क्योंकि जब भी आप भोजन खाते हैं वो पेट में दोबारा से पकता है और फिर वहाँ से उसका अच्छे से डाइजेशन होता है। जैसे आप भोजन को पकाते हैं चूल्हे पर और जब आपकी अग्नि जलती रहती है तो आपका भोजन पकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जब आप पेट में भोजन को डालते हैं तो आपका भोजन पकता है और पचता है। तो जब आप भोजन करते टाइम पानी पी लेते हैं तो सोचिए आपकी जो अग्नि है वो पानी से बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की दुश्मनी है। और जब वो अग्नि बुझ जाएगी तो फिर आपका भोजन पचेगा नहीं, आपके पेट में वो पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ेगा तो आपको गैस बनेगी, आपको कब्ज होगा, आपके पेट फूलेगा, आपको मोटापा बढ़ेगा, इससे तरह तरह की बीमारी आपको होगा। तो क्यों ना हम इस नियम को आज से खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। अब आप बोलेंगे कि फिर पानी कब पिए? दोस्तों, आप खाना खाने के यूँ बोले तो एक घंटे के बाद पानी पिए तो अच्छा रहेगा। या तो आप भोजन करने के एक घंटे बाद पानी पी लें या भोजन करने से एक घंटे पहले पानी पी लें तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपके डाइजेशन को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा नियम है पानी जब भी पिए घूट घूट कर पिए। दोस्तों, आज के बिजी लाइफ में लोग करते क्या है, कहीं पर भी किसी भी दुकान पर बोतल खरीदते हैं और ऐसे घटक घटक के पीने लगते हैं जो कि वो अपने हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हैं। इससे आपके पेट का डाइजेशन कभी भी ठीक नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्ट घटक के पानी पी लेते हैं तो आपके मुंह में जो लार बन रही होती है वो आपके पेट में नहीं जाता है, इससे आपका डाइजेशन खराब होता है। अब समझिए घुट घुट कर पानी हमें क्यों पीना चाहिए। दोस्तों, हमारे मुंह में लार बनती रहती है, अगर आप ऐसे मुंह में उंगली लेकर ऐसे करेंगे देखेंगे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे लार कहते हैं और ये क्षारीय होता है और आपके पेट में एसिड बनता है, यानी आपका पेट एसिडिक होता है। तो जब आप कुछ भी खाते पीते हैं तो अगर उसके साथ क्षार मिलकर अंदर जाए तो आपके पेट में एसिड की मात्रा नहीं बढ़ेगी, वो नॉर्मल रहेगी, तो आपको गैस नहीं बनेगा,
आपको पेट में एसिडिटी नहीं होगा, इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जो आपको नहीं होगा। तीसरा नियम है, कितनी भी प्यास लग जाए आपको, आप ठंडा पानी न पिए। ठंडा पानी से तात्पर्य है मेरा फ्रिज का पानी। दोस्तों, फ्रिज के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री 10 डिग्री इससे कम ही होता है, लेकिन आपके जो पेट का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी आपका जो पेट है वो हमेशा गर्म ही रहता है। भले ही आपको ऊपर से लगे मैं ठीक हूँ, मुझे गर्मी नहीं लग रही, लेकिन आपके जो पेट का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है, चाहे किसी भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो। तो जब आप ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, ये आपके पेट में जब जाता है तो उस आग को बुझा देता है, यानी फिर से आपके पेट में झगड़ा होगा आग और पानी की, और आप समझते हैं कि आग और पानी की दुश्मनी है। या तो पानी आग को बुझा देगा या तो आग पानी को गर्म करेगा, तो कुछ तो गड़बड़ होगा ही। इससे आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, घुटने में दर्द आपको हो सकता है, सर में दर्द आपको हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां आपको इसी से हो सकती है। दोस्तों, इसे आप एक उदाहरण से समझिए। आप देखे होंगे अपने आसपास में किसी भी जानवर को पानी पीते होंगे, वह चाट चाट कर पानी पीते हैं। आप कभी न कभी अपने छत पर अगर पानी रखते होंगे तो किसी चिड़िया को पीते हुए देखे होंगे। वो जब चिड़िया पानी पीती है तो चोंच को एक बार पानी लेती है, फिर चोंच को दो चार बार चलाती है, फिर पानी लेती है, फिर चोंच को दो चार बार चलाती है। तो इससे उनका डाइजेशन इम्प्रूव बना रहता है। आप कभी भी किसी भी जानवर को, किसी भी चिड़िया को आप मोटा बीमार नहीं देखे होंगे, वो जब भी आप देखते होंगे एकदम सुडौल फिट देखते होंगे। अब हमारा चौथा नियम है कि आप जब भी सुबह सोकर उठें सबसे पहले पानी पिए, चाय का सेवन न करें, कुछ भी ना पिए, सबसे पहले पानी पिए, उसके बाद आप टॉयलेट जाएं। इससे क्या होगा, आपको आपका पेट साफ होगा। जब आप सुबह उठते ही पानी पीते हैं तो आपका बड़ी आंत में ये पानी जाता है और उस आंत को साफ करता है, फिर यही पानी आपकी छोटी आंत को प्रेशर करता है जिससे आपका टॉयलेट बहुत ही आसानी से और क्लियर हो जाता है। जब आपका पेट साफ हो जाएगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा, ये भी एक लॉजिक है मेडिकल में। तो आपको इस नियम को भी अपनाना है, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले पानी पिए। भले ही दो चार दिन आपको ऐसा करने में थोड़ा असहज लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका आदत बन जाएगा सुबह उठने के बाद पानी पीने की, तो इससे आप देखेंगे कि डेली का डेली आपका पेट साफ हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का पेट साफ हो जाता है उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है, चाहे शुगर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी, कोई भी बीमारी हो। तो दोस्तों, इस चारों नियम को आपको ज़रूर से फॉलो करना है, तभी आप हेल्दी बने रह पाएंगे। दोस्तों, जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको दवा नहीं खाना पड़ेगा। दोस्तों, दवा खाने पर आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जितना आप दवा खाते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, ना ही वो दवा आपको अंदर से डैमेज भी करता है, आपके किडनी को ख़राब करता है, आपके लीवर को ख़राब करता है। तो आप दवाओं से दूरी बनाएं जितना हो सके, डॉक्टर के पास आपको न जाना पड़े, इसलिए आप इस चारों नियम को फॉलो जरूर करें। आशा करता हूँ आज के टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फैमिली में, रिलेटिव में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि सभी स्वस्थ रह सके और हेल्दी रह सके। दोस्तों, ये जो नियम मैंने आपको बताया ये आयुर्वेद के पुस्तक से ली गई है, जो कि एक महान ऋषि थे महर्षि बागभट जी, उनके द्वारा लिखा गया है और उनके द्वारा बताया गया है। वो एक आयुर्वेद के रिसर्चर थे जो इसी पर रिसर्च करते थे और बहुत सारे नियमों को उन्होंने बनाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।